मांगते हैं एक बार प्रेम से मुझको पुकार ले, इतनी सी बात है बस। और वो नवनिधि के मालिक सर्वस्व लुटा डालते हैं। यूं ही नहीं सिद्धियां प्राप्त हो जाती, कोई तो अघोरी बन जंगलों में लौटता है, बैरागी बन संन्यास धारण कर। परंतु मीरा ने कलयुग में ये प्रमाण दिया कि प्रभु घर बैठे मिलते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। रविदास जी कभी गंगा जी के दर्शन नहीं किए, मगर पावनी गंगा को जब भी पुकारते थे प्रकट होने में कहां समय लगाते थे। समर्थ हो तो ऐसा कि प्रभु जहां हम हैं हमें तो पता ही नहीं है कौन सा मार्ग जाता है तुम्हारी ओर, कौन लेकर जाएगा तुम्हारी ओर, ये भी नहीं पता। जिसका हाथ थामा है वो हाथ भी सही है या गलत है, इतनी भी बुद्धि की प्रखरता नहीं है जो पहचान सके। क्योंकि भगवान ने तो आज से कितने हजार वर्ष पूर्व ही ये बोल दिया था कि कलयुग आएगा और ऐसा ऐसा होगा, संतों का अकाल होगा, भक्त तो दूर दूर तक नहीं दिखेंगे। परंतु फिर भी नारद जी ने कहा कि व्यक्ति व्यक्ति में, प्रत्येक हृदय में मैं आपकी भक्ति को बिठा दूंगा। तभी तो कहा मानस में भाई को भाई अनक आलसा हूं, जैसे मर्जी बस हरि का नाम लो, बहुत प्रेम से लेते रहो और चलते चलो। ना जाने कब कहां किस रूप में हरि आकर हाथ थाम मिले, हमें पता नहीं है कौन सी दिशा किस ओर जाती है। जो तुमसे मिलवाए तो प्रभु चलते जा रहे हैं इस विश्वास के सहारे कि एक दिन तुम ही आकर हमारा हाथ थाम लोगे। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी दया से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी नजर से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था
एहसास होता है अपने जीवन की रिक्तता का, खालीपन का, किसमें भराव नहीं है, मन चंचल है, भटकाव है, सब कुछ है, सुख समृद्धि, परंतु फिर भी संतुष्टि नहीं है। सब वैभव है, सब कृपा है इनकी, परंतु तृप्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन में आप आए ही नहीं, संसार था जीवन में, दिल लगाया संसारियों से, और बदले में वो प्यार भी ना मिला जिसको अपना सर्वस्व जीवन दे डाला, जिस चाहत के साथ आगे कदम बढ़ाए वो एक आह भी प्रेम की ना मिली। परंतु जब से तुमसे दिल लगाया तो ना जाने ऐसा क्या हुआ, तुम तो आए नहीं, परंतु तुम्हारा नाम लेते लेते इतना इश्क हो गया, इतनी मोहब्बत हो गई, इतना प्रेम हो गया, तुम आओ ना आओ नाम यूं ही लेते रहे। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी दया से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी दया से पहले, मोहब्बत करे, हमें भी कोई प्यार करे। संसार में आए, धरा धाम पर आपने भेजा, मनुष्य देह मिली, बड़ी कृपा है आपकी, संस्कार मिले, परिवार मिला, मात पिता का स्नेह मिला, बड़ी कृपा है। परंतु शाम फिर भी एक कोना ऐसा है जो खाली है, वो मोहब्बत तुम जैसी और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जब मैं दुखी हूं और तुम्हारी ओर नजर उठाती हूं तो तुम मुस्कुराते दिखते हो, जब मैं रोती हूं तो ऐसा लगता है तुम्हारी प्रीति के कर मेरे मुख को स्पर्श कर मेरे आंसुओं को पहुंचते हैं। शाम यदि सोते सोते स्वप्न में भी चली जाऊं तो तुम इतने कृपा निधान, इतनी कृपा करते हो कि स्वप्न में भी आ जाते हो और आते हो मेरे कान में कुछ कहते हो और हंसा कर चले जाते हो। बहुत देखे शाम दुनिया में मगर तुमसा कोई नहीं दिखा। यूं तो है
आँखों तेरे जैसा कौन होगा, यूं तो है जहां मिला खो तेरे जैसा कौन होगा, तेरे जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। तलक जुदा था